मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए अगले हफ्ते यूरोप जाएंगे। सरबराह इजलास से कबल ट्रूडो लिटोया में रुकेंगे। नेटो इजलास के दौरान यूक्रेन समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। व्हाइट हाउस से कोकेन बरामद, अमरीकी सदर का जवाब देने से गुरेज। हुकाम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग से सफेद पाउडर बरामद हुआ था। कुरान पाक की बेहुरमती, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास तलब। इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास रवां हफ्ते होने का इम्कान है। जनेवा में कायम इंसानी हुकूक कौंसिल के हर साल 3 इजलास होते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है कि गर्म और मरतूब मौसम ने मंगल को टोरंटो को अपनी लपेट में ले लिया है और तवक्को है कि ये जुमेरात तक जारी रहेगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है कि गर्म और मरतूब मौसम ने मंगल को टोरंटो को अपनी लपेट में ले लिया है और तवक्को है कि ये जुमेरात तक जारी रहेगा। विफाकी मौसमियाती एजेंसी ने ज्यादातर जनूबी ऑन्टेरियो के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है, जिसमें दिन के वक्त दर्जा हरारत कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई की गई है। इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है कि गर्म हालात हवा के मयार को खराब करने का बाइस बन सकते हैं, जिसका मतलब है कि एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स मुख्तलिफ मकामात पर हाई रिस्क के जमरे में पहुंच सकता है। टोरंटो की शहरी इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि उनके 7 पब्लिक पोल्स रात 11:15 तक खुले रहेंगे। गर्मी के इंतबाहात उस वक्त पोस्ट किए जाते हैं जब हालात से गर्मी की बीमारियों जैसे हीट स्ट्रोक और गर्मी की थकन का खतरा होने की तवक्को की जाती है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जुमेरात की रात शहर का मौसम अचानक सर्द हो सकता है, जिससे जुमे की सुबह तक गर्मी से राहत मिलेगी। जुमे से इतवार तक दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कनाडा की वजीर खारजा मिलानी जूली ने कहा है कि वो टोरंटो में आइंदा एहतजाज के लिए नाकाबिले कबूल पोस्टर के मंजर आम पर आने के बाद हिंदुस्तानी सिफारतकारों की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खारजा मिलानी जूली ने कहा है कि वो टोरंटो में आइंदा एहतजाज के लिए नाकाबिले कबूल पोस्टर के मंजर आम पर आने के बाद हिंदुस्तानी सिफारतकारों की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद है। पोस्टर हालिया हफ्तों में मसाइल के सिलसिले में ताज़ा तरीन है, जिसकी वजह से ऑटावा और नई दिल्ली के दरमियान कनाडा में सिख अलैदगी पसंदों के मामले पर तनाव बढ़ गया है। आने वाले एहतजाज का मंसूबा सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर की याद में किया गया है, जो गुज़िश्ता माह सुरे BC में एक फायरिंग में मारे गए थे। निजर भारत का खुला मुखालिफ था और एक आज़ाद सिख रियासत का हामी था, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें अपनी तफ्तीश में भारत से कोई ताल्लुक नहीं मिला। यह एहतजाज हफ्ते को मिसिसागा में वाकया ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर से शुरू होना है और टोरंटो के मरकज के करीब इंडियन कौंसल खाने पर ख़त्म होना है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इस प्रोग्राम के पोस्टर में कनाडा में हिंदुस्तान के 2 आला सिफारतकारों हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और टोरंटो के कौंसल जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव की तस्वीर शामिल है और उन्हें टोरंटो में निजर के कातलों के चेहरे से ताबीर किया गया है। कबल अजी एक ट्वीट में जूली ने कहा कि कनाडा गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत को बरकरार रखने की अपनी बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारी को बहुत संजीदगी से लेता है। उन्होंने कहा कि कनाडा एहतजाज के लिए प्रोमोशनल मवाद के बारे में भारतीय हुकाम से रबते में है, जो नाकाबिल कबूल है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो नेटो के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अगले हफ्ते यूरोप जाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो नेटो के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए अगले हफ्ते यूरोप जाएंगे। लिथुआनिया में दो रोजा सरबराह इजलास 11 जुलाई को शुरू हो रहा है और उस वक्त हो रहा है जब इतिहाद ने सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग की मुद्दत में मजीद एक साल की तौसी पर इत्तेफाक किया है। नेटो ने भी हाल ही में फिनलैंड और कैनेडा को शामिल करने के लिए अपनी रुकनियत में तौसी की है और दीगर ममालिक स्वीडन को भी इसमें शामिल होने की इजाजत देने पर जोर दे रहे हैं। सरबराह इजलास से कबल ट्रूडो लिटोया में रुकेंगे, जहाँ वो 10 जुलाई को रेगा में लिटोया के सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। कैनेडा का सबसे बड़ा बैरून मुल्क मिशन लिटोया में 11 मुल्की नेटो जंगी ग्रुप के रहनुमा के तौर पर है। वजीर दिफा अनीता आनंद ने हाल ही में एक टैंक स्क्वाडन और तकरीबन 130 फौजियों को शामिल करने का अहद किया ताकि इस जंगी ग्रुप को जंगी तौर पर तैयार ब्रिगेड में तौसी देने की कोशिश की जा सके। लिथुआनिया में वजीर आजम ट्रूडो नेटो सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे, जहां रहनुमा यूक्रेन को ठोस इमदाद की फराहमी को आगे बढ़ाते रहेंगे, इतिहाद के डिटरनेंस और दिफाई सलाहियतों में इजाफा करेंगे और दीगर अहम सिक्योरिटी और दिफाई मसाइल के दरमियान इंडो पैसिफिक शराकत दारों के साथ तआवुन को फरोग देंगे। वजीर आजम इंसानी हकूक, जमहूरियत और कवानीन पर मबनी बैन अल-अक़वामी निज़ाम को बरकरार रखने की अहमियत को भी उजागर करेंगे। अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइश का व्हाइट हाउस से बरामद होने वाले सफ़ेद पाउडर के कोकेन होने की तस्दीक हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइश का व्हाइट हाउस से बरामद होने वाले सफ़ेद पाउडर के कोकेन होने की तस्दीक हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस से कोकेन बरामद होने के बाद उसके इस्तेमाल या छोड़कर जाने से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के साउथ कोर्ट ऑडिटोरियम में खातून अव्वल की मौजूदगी में सदर बाइडन ने ऑरलैंडो कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब किया, मगर व्हाइट हाउस में कोकेन की मौजूदगी से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कोकेन से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देने से गुरेज किया और दीगर मामलात पर बात करते रहे। अमरीका के यौम आज़ादी के मौके पर किए गए इस खिताब में सदर बाइडन ने अमरीकी स्कूल्स में गन वायलेंस की मजम्मत की और कहा कि असातिज़ा को मुसल्लह करना मसले का हल नहीं। व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में कोकेन बरामद होने के मौके पर सदर बाइडन और स्कैंडल्स का शिकार उनका बेटा हंटर बाइडन कैंप डेविड में थे और कोकेन बरामद होने पर व्हाइट हाउस खाली करा लिया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर बात करने के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक्वामे मुतहदा के इंसानी हकूक कौंसल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर बात करने के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक्वामे मुतहदा के इंसानी हकूक कौंसल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। अक्वामे मुतहदा के इंसानी हकूक कौंसल की तर्जुमान पास्कल सिम ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 47 रुकनी इंसानी हकूक कौंसल स्वीडन में कुरान पाक नजर आतिश करने पर बहस के लिए अपना एजेंडा तब्दील करेगी। इजलास रवां हफ्ता होने का इम्कान है, जिसकी तारीख और वक्त कौंसल का ब्यूरो तय करेगा। जनीवा में कायम इंसानी हकूक कौंसल के हर साल 3 इजलास होते हैं। इंसानी हकूक से मुतालिक अक्वामे मुतहदा की सबसे बड़ी तंजीम का फिलहाल दूसरा सेशन हो रहा है, जो 14 जुलाई तक जारी रहेगा। जनेवा में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने अक्वामे मुतहदा के इंसानी कौंसल के सदर को इस्लामी तआवुन तंजीम के NOIC और दीगर ममालिक की तरफ से खत लिखकर फौरी बहस करवाने की दरख्वास्त की थी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।